दोस्तों इस वीडियो पे जो है हम क्योसेरा फोटोकॉपियर पे यहाँ पास यूज़र लॉगिन, यूज़र नेम, पासवर्ड चेंज और कॉपी में किस तरीके से आप पासवर्ड सेटिंग कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पास मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों क्योसेरा टास्क अल्फा 2321। इस सीरीज़ में और भी दो मॉडल आते हैं जैसे 2020 और जो है 2320, तो ये मॉडल के भी आपको देखने को सेम ही मिलेगा। और जो भी हम प्रोसेस करने वाले हैं लगभग आपको क्योसेरा के कोई से भी मशीन आप यूज़ करो अभी जो आ रहे हैं आपको यही प्रोसेस से आप जो है ये तीनों सेटिंग जो है कर सकते हैं। तो चलिए जो हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाता है यहाँ पास यूज़र लॉगिन। तो यूज़र लॉगिन के लिए देखिए आप यहाँ पास जाएंगे, यहाँ पास जो स्टेटस आपका बटन है सिस्टम मेनू वहाँ पास जाएंगे, नीचे आप सिस्टम पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर जो है एडमिन अकाउंटिंग पे भी यहाँ पास जो है क्लिक कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से देखने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड का यहाँ पास सो होगा जहाँ पास आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आप चाहे क्योसेरा में कोई सा भी मॉडल यूज़ करें उसका जो एडमिन पासवर्ड जो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो एडमिन एडमिन ही होता है जिसमें कि ए जो है कैपिटल होता है। और इसमें एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि आप अगर आपके लेटर जो है कैपिटल में नहीं होता तो नीचे देखिए यहाँ पर जो स्टार बटन दिया हुआ है वहाँ से आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं आप जो है स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर पे, या फिर आप जो है कोई भी की प्रेस करते हैं वर्ड का उसको जो है आप प्रेस करके रखे रहेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एडमिन डाल दिया यूज़र नेम, अब पासवर्ड का देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम यहाँ पर सेलेक्ट किया यहाँ पर टेक्स्ट का, फिर ए हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, फिर देखिए ये बड़ा हो गया नीचे स्टार्ट पे क्लिक किए तो अब फिर से हम यहाँ पर डाल देते हैं एडमिन। ये हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पास लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पास लॉगिन सक्सेसफुली कर चुके हैं। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा यूज़र नेम और इस जो पासवर्ड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जो अभी हमने आपको फर्स्ट स्टेप पे दिखाया उसको कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए जाएंगे यहाँ पास हम एडमिन एंड अकाउंटिंग पे और यहाँ पास क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपना जो भी यूज़र नेम है पासवर्ड है वो फिर से यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि मैंने आपकी बात को बताया एडमिन एडमिन हम फिर से यहाँ पर डाल देते हैं। और अगर हम चाहें कि इसको हम एडमिन एडमिन ना रख के हम कुछ अपना वर्ड डाल सकते हैं या फिर जो है अपने नाम से डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जनरली ये बता देना चाहता हूँ आपको अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो ही ये चेंज कीजिए, नहीं तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम चलिए लॉगिन हो जाते हैं यहाँ पास। तो देखिए दोस्तों ये हमने सिंपली यहाँ पर से लॉगिन कर लिया जैसे कि फर्स्ट स्टेप पे बताया था आपको। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, फर्स्ट ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको एडमिन सेटिंग, उसके बाद क्या करेंगे आप एडमिन के ऊपर ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडमिन को एडिट करना चाहें यूज़र नेम को तो यूज़र नेम पर, या फिर साइड स्क्रोल करके आप जो है पासवर्ड को एडिट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए यहाँ पास नीचे जो टेक्स्ट लिखा है यहाँ पास वो नीचे बटन प्रेस करके आप जो है इसको चाहो तो नंबर पे भी ला सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम नंबर चाहे सेट करते हैं चाहते हैं तो जैसे 4 5 यहाँ पास मैंने सेलेक्ट किया और 4 3 ये 4 डिजिट्स का जो हमने यहाँ पास नंबर यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब फिर क्या करेंगे हम फिर से उसको कन्फर्म करेंगे जिस तरीके से मोबाइल वगैरह में पासवर्ड डालते हैं वैसे ही इसको फिर क्या करेंगे हम कन्फर्म कर देते हैं एक बार जो हमने अभी डाला है 4 5 4 3। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पास ओके पे क्लिक कर देना है और फिर से एक बार ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पास आपको देखिए ध्यान दीजिए नीचे करेंगे तो फिर एडिट हो जाएगा, फिर यहाँ पास यस पे क्लिक कर देना है और देखिए यहाँ पास हमारा सब कंप्लीट हो गया यूज़र नेम पासवर्ड चेंज। तो तीसरा स्टेप आ जाता है दोस्तों हमारा कॉपी पासवर्ड सेटिंग, मतलब आप जो है जैसे प्रिंटर आप जो मशीन ऑन करें आपके में पासवर्ड पूछना चाहिए कोई भी इलीगली जो है कोई कॉपी ना कर सके तो उसके लिए पासवर्ड जो लोग सेट करते हैं वो। तो यहाँ पास मैं फर्स्ट लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पास एडमिन एंड अकाउंटिंग पे, तो ये मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पर कर देता हूँ क्योंकि दो बार हमने पहले स्टेप पर यहाँ पास जो है लॉगिन करके दिखाया है आपको। तो उसके बाद आपको क्या करना है देखिए ये हो गया लॉगिन, उसके बाद आपको यहाँ पास जाना है एडमिन पे, सॉरी एडमिन पे नहीं यहाँ पर जाना है आपको जॉब अकाउंट सेटिंग पे जाना है आपको। उसके बाद यहाँ पास आपको एक सर्च करना है अकाउंट लिस्ट ये जो लिखा होगा उस पर क्लिक कर आपको प्रेस करना है। देखिए ये अकाउंट लिस्ट लिखा है इस पर आपको प्रेस कर देना है और यहाँ पास से क्या करना है एक मेनू पे क्लिक कर देना है फिर और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड अकाउंट का। तो यहाँ पास आप कुछ भी डाल सकते हो आप वर्ड भी डाल सकते हो लेकिन मैं बोलूँगा इसको आप जो है नंबर पे ही डालिए क्योंकि उसमें लॉगिन करने पे आपको आसानी होगी। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया 4 5 4 3 ये मेरे को चाहिए पासवर्ड के रूप में, फिर मैं इसको एक बार ओके करके कंफर्म कर देता हूँ। ये हो गया हमारा, अब हम क्या करेंगे इस पर एक बार बैक हो जाएंगे।
अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा पासवर्ड डल चुका है, लेकिन इसको ऑन करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, जॉब, देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा आपको जॉब अकाउंटिंग का। तो जॉब अकाउंटिंग पे जाके अभी ये ऑफ होगा, उसको जाके आपको क्या कर देना है, ऑन कर देना है। जैसे ही इसको ऑन कर देंगे तो हमारा जो पासवर्ड अभी डाले हैं हम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारा पासवर्ड ये पूछने लगा। हम एक बार सिस्टम जो है यहाँ पर पूरा प्रिंटर मशीन जो है एक बार रिस्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो है वर्क करेगा। अगर आपने पहले भी यूज़ किया होगा तो जानते ही होंगे कि कैसा वर्क करता है, लेकिन मैं फिर भी आपको फर्स्ट स्टेप से दिखा देता हूँ इसको। तो ये हमारा मशीन अभी जो है चालू हो रहा है। तो देख सकते हैं इसको यहाँ पर, देखिए पासवर्ड मांग रहा है, तो ये हमने यहाँ पर 4543 डाला, उसके बाद ओके पे यहाँ पर क्लिक कर दिए, तो ये हमारा खुल गया। अब चाहे तो आप जो है अपना प्रिंटिंग जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।